हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम फिर से आए हैं बिग बॉस के अपडेट के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले वीकेंड के वार का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। शो के होस्ट सलमान खान आते हैं और कहते हैं कि थिएटर में बैठने का अलग ही मज़ा होता है। वो बिग बॉस के घर में थिएटर में बैठते हैं और घर वालों के बुलडोजर टास्क के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो घर वालों की बहस को देखते हैं। रुबीना पानी डालकर अपने पति अभिनव शुक्ला की इम्यूनिटी टास्क में हेल्प करती हैं। इसके बाद भी अभिनव टास्क से बाहर हो जाते हैं। रुबीना अभिनव की हालत देखकर जोर से चिल्लाती हैं। इम्यूनिटी टास्क जीतने की चाह में सारा गुरपाल बाकी प्रेशर से डटकर सामना कर रही है। आखिरकार सारा बुलडोजर से उड़ जाती है और एजाज खान और हिना खान उनको लेकर पुल में लेकर जाते हैं। सारा रोने लगती है और उन्हें देखकर जैस्मिन बतिन भी इमोशनल हो जाती है। बुलडोजर से शहजाद देओल को उतारने के लिए घरवाले जमकर कोशिश करते हैं। शहजाद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और उठ जाते हैं। एजाज खान पवित्र पुनिया को उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। इम्यूनिटी टास्क का समय खत्म हो जाता है और पवित्र पुनिया और निकी तंबोली आखिर तक बुलडोजर से नहीं हटती हैं। बिग बॉस दोनों के टास्क के विनर बनने की घोषणा करते हैं। सलमान खान भी दोनों की तारीफ करते हैं। सारा गुरुपाल, रुबीना और अभिनव शुक्ला के साथ टास्क के दौरान हुई इंसिडेंट को लेकर चर्चा करती हैं। सलमान खान स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि हमने पहले हफ्ते में ही जमकर ड्रामा देखा। सलमान सभी घर वालों से रूबरू होते हैं और घर वालों से जमकर मस्ती करते हैं। सलमान पवित्र पुनिया और निकी तंबोली को बधाई देते हैं। सलमान खान जैस्मिन के साथ कपड़े धोने को लेकर बात करते हैं। जैस्मिन कहती है कि वो कपड़े नहीं धो पाती है क्योंकि उन्होंने कभी कपड़े धोए ही नहीं हैं। तभी घर वाले कहते हैं कि जान कुमार सानू बहुत अच्छे कपड़े धोते हैं। सलमान जान से पूछते हैं कि उन्होंने कपड़े धोना कहाँ से सीखा। सलमान खान निक्की की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि निक्की को 2 मिनट मिलेंगे और वो मॉल में जाकर सामान ले सकती है लेकिन वो अपना सामान नहीं ले सकती है। सलमान खान निक्की के होने वाले बॉयफ्रेंड को सलाह भी देते हैं। सलमान खान घर में हुए टास्क को लेकर बात करते हैं। इसके बाद वो घर में मौजूद तीनों सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान, हिना खान से फ्रेशर्स के बारे में पूछते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि ये लोग पहले से प्लानिंग करके आए हैं घर में कैसे रहना है, इसलिए इन लोगों का ना कोई दुश्मन है ना ही कोई दोस्त। सलमान खान स्क्रीन पर दिखाते हैं कि एजाज खान सिद्धार्थ शुक्ला को अपना एक राज बताते हैं। सलमान एजाज से कहते हैं कि आप अगर गलत जाओगे तो गलत दिखोगे। वो आगे कहते हैं कि अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर अच्छे हो तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान खान बताते हैं कि पवित्र पुनिया और निक्की में किसी एक के पास TBC के घर का कन्फर्म सदस्य बनने का मौका है। इस काम की जिम्मेदारी घर के तीनों सीनियर्स को दी जाती है। सिद्धार्थ और गौहर और हिना ने निक्की तंबोली को घर का पहला कन्फर्म सदस्य बनने का मौका दिया है। सीनियर्स का कहना है कि निक्की ने 2 बार इम्यूनिटी को गेन किया है। इस तरह से निक्की बाकी सीनियर्स के साथ मिलकर फैसला करेगी। आगे देखना बाकी है कि क्या होता है। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।